हल्द्वानी में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपका भी माथा ठनक जाएगा। ऐसा सनसनीखेज मामला जिसने सूचना विभाग की भी पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें, पुलिस ने फर्जी पत्रकारों के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो हल्द्वानी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्टिंग कर उनसे वसूली करते थे। पुलिस के मुताबिक पत्रकारों का ये गिरोह फर्जी विजिलेंस अधिकारी के तौर पर सरकारी अधिकारी से ब्लैकमेलिंग के जरिए रंगदारी वसूल करते थे। मामले का खुलासा एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने किया और उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग कार्यालय काला ढूंगी रोड में प्रधान सहायक के पद में तैनात उमेश चंद्र कोठारी से चार लोगों ने विजिलेंस का अधिकारी बनकर 1,00,000 रुपये ठग लिए हैं। आरोपियों ने प्रधान सहायक को कुछ वीडियोस भी दिखाए, पैसा नहीं देने पर ट्रैप करने और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। प्रधान सहायक की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत एक महिला सहित 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधान सहायक उमेश चंद्र कोठारी ने पुलिस को बताया कि एक महिला सहित 3 लोग विजिलेंस अधिकारी बनकर उनके दफ्तर पहुंचे। एक आरोपी ने अपने मोबाइल में उसके कुछ टेप किए हुए आधे अधूरे वीडियोस दिखाए, विजिलेंस कार्ड दिखाते हुए उमेश चंद्र को धमकाया। उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपये देने पर वो मामला रफा दफा कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो वीडियो वायरल कर उन्हें फंसा दिया जाएगा। वहीं उमेश चंद्र आरोपियों की धमकियों से डर गए और उन्हें 1,00,000 रुपये की रकम थमा दी। बता दें, पुलिस की जांच में पता चला है कि समाचार नेशन में भूपेंद्र सिंह ब्यूरो चीफ पद पर और सौरभ गाबा एसआईटी हेड पद पर नियुक्त हैं और दोनों ही उधम सिंह नगर से सूचना विभाग में पंजीकृत पत्रकार हैं। सुंदर दोनों पत्रकारों का घनिष्ठ मित्र है। भूपेंद्र और सौरभ गाबा पत्रकार होने की वजह से विभागों की कार्य प्रणाली से भली भांति परिचित थे। इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अपनी महिला मित्र साक्षी सक्सेना के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। हालांकि आपको बता दें, भूपेंद्र, सौरभ और सुंदर पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि साक्षी सक्सेना फरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।